के बाद अब मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है, बीमारियां अपने चरम पर है। मच्छर से होने वाले रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पताल का ओपीडी बढ़कर 2 से 3 गुना हो गया। ऐसी स्थिति में अस्पताल की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। बड़ी तादाद में मरीजों के पहुंचने के चलते टिकट काउंटरों और जाँच काउंटरों को डॉक्टरों को दिखाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एनडीटी राजस्थान की टीम यहाँ पहुँची, अस्पतालों में जायज़ा लिया, मरीजों के हालचाल जाने और किस तरह से उन्हें उपचार के दौरान दिक्कतें पेश आ रही हैं उसको लेकर हमने डॉक्टर्स से भी बात की। क्या कहना है मरीजों का, अस्पताल में डॉक्टर्स का क्या कहना है और क्या स्थिति है? एक तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, एक डॉक्टर्स के आसपास काफ़ी मरीज दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वहाँ के हालात हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप इन दिनों चरम पर है। मच्छर जनित रोग खास तौर पर यहां ज़्यादा फैल रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों पे दोहरी मार पड़ने लगी है। झालावाड़ अस्पताल में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां का ओपीडी 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। यदि एसआरजी अस्पताल की और जनरल अस्पताल की बात करें तो लगभग 4,500 पर ओपीडी की संख्या जा पहुँची है, जो अमूमन आम दिनों में 2 से 2,500 के बीच में रहती है। लगातार ओपीडी में पहुँचने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टिकट लेने में लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। जांच की पर्चियां कटाने में लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग काफ़ी देर तक लाइनों में लगने को मजबूर हैं, तब डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं। ऐसे में दूसरी बीमारियों को जो मरीज हैं उन पर भी काफ़ी मार पड़ रही है। अन्य बीमारियों को मरीजों को भी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार सेन, मैं रायपुर से आया हूँ। दिलीप जी, क्या इलाज के लिए आए हैं? इलाज के लिए डिलीवरी हुई है हमारे साले जी के, और वहाँ जैसे कि नर्स में बोलने की तमीज़ नहीं है, वो अनाथ अनाथ लेडीज़ को, हर लेडीज़ को गलत बोलती है। ओपीडी में जैसा तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बता रहे ब्लड बैंक में भी इतना ये नहीं हो रहा है, मतलब जाते समझ नहीं ले रहे हैं। मतलब वो कई लोगों को जो इलाज कराना आते हैं यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर से नंबर नहीं आ पाता, खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। हाँ, खाली हाथ भी लौटना पड़ रहा है, फिर प्राइवेट दिखाते हैं वो। लंबी लाइनों के कारण कई लोगों को वापस भी लौटना पड़ता है और निजी तौर पर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। नवल जी, आउटडोर में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है टिकटों में। हाँ बिल्कुल। क्या समस्याएं हो रही है, डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं? डॉक्टर में गाड़ा की बराबर व्यवस्था नहीं है साहब, यहाँ है ना, डांट फटकार के काम करो, डराती है लोगों को, डरा धमका के करती है। अपनी पारी नहीं आने के चलते लोग यहाँ पर बैठ कर उनको इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें हैं चिकित्सकों के कक्ष के बाहर। काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में, जो अपना नंबर नहीं आने से अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं और इलाज के लिए बाहर बैठे। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ। श्रीनाथ जी, कहाँ से आए हो? लास से। ये कितनी देर हुई यहाँ बैठे हुए? 1 घंटा हो गया। नंबर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। टिकट लेने में कितनी देर लगी? 10 मिनट। 10 मिनट टिकट लेने में। तो अब आउटडोर बंद होने तक आपका नंबर आ जाएगा? आप देखो, अभी तो बैठे हैं बाहर। क्या नाम है बाबा? पन्ना जी। क्या क्या दिखाना है वो? दासी के। कितनी देर हो गई बैठे हुए यहाँ? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। आपका नाम क्या है? प्रताप। प्रताप जी, क्या कितनी देर से बैठे हुए? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से आप बैठे हो। कितनी देर से लाइन में लगे हो? आधा घंटा हो गया। कल सुबह कब आए थे? 10 बजे से आए हुए हो। क्या, कौन सी बीमारी का इलाज कराना है? ये बीपी की जांच करानी है। देखिए लोग 10 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जो भी अभी डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? तूफान सिंह। कहाँ से आए तूफान सिंह? हिम्मत गढ़। क्या दिखाना है वो? सीने का दर्द। अगर आप देखेंगे तो काफी मरीज इस वक्त भी लाइनों में खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है, जबकि ये नजारा अभी एक ऐसे वक्त का है जबकि ओपीडी बंद होने वाली है। सुबह यहाँ 10 बजे के पहले ही लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और लगातार यही क्रम चलता रहता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कमरों में डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन भीड़ अत्यधिक होने के चलते, मौसमी बीमारी का प्रकोप अचानक बढ़ जाने के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है और लोगों को इलाज में परेशानी आ रही है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। जो मौसमी बीमारियाँ फैलती हैं उनमें खांसी जुकाम, बुखार, उल्टी दस्त, इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं जनरली। तो अभी खांसी जुकाम के बुखार के पेशेंट ज़्यादा आ रखे हैं और 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट बाद ही ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये वायरल जनित बीमारियाँ होती है तो परिवार के ज़्यादातर सभी लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए ओपीडी की संख्याएँ बढ़ जाती हैं। उसके अलावा 2-4 कारण है कि इन
मौसम के टाइम पर लोगों के बाहर आउटिंग भी बहुत होती है, झरनों पे जाना, पिकनिक्स पे जाना, उस दौरान भी कभी कभी पानी का सेवन वहाँ हो जाता है, तो इससे भी दस्त वगैरह की शिकायत हो जाती है। आज समय के साथ लोगों की एक्सरसाइज और इन सब की आदतें खत्म हो गई, तो इसलिए भी इम्यूनिटी कम है, खान पान भी हमारा चेंज हो गया है। साथ के साथ ही जो है ओल्ड एज पेशेंट है उनके अंदर, जिनको सांस की बीमारियाँ उनके अंदर और शुगर बीपी के मरीजों में इस तरह के वायरल में थोड़ा खतरा ज़्यादा है।